मैं बात कर रहा था एब्सोल्यूट वीटो के बारे में, कोई मिनिस्टर जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है वो कोई बिल पास करता है तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर रहता है कि वो बिल को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। दूसरा होता है सस्पेंसिव, अगर कोई भी बिल आया है उसमें कोई मिस्टेक है तो प्रेसिडेंट उसको सेंड कर सकता है रीचेक करने के लिए, और फिर दोबारा अगर वो बिल आ गया तो प्रेसिडेंट की मजबूरी आती है उस बिल को साइन करना। तीसरा होता है पॉकेट वीटो, ये सबसे बड़ी पावर होती है प्रेसिडेंट की, कोई भी बिल अगर है ठीक उसको कंसिडर करता है वो, उसे लगता है कि ये लोगों के लिए सही नहीं है तो वो उसे अनलिमिटेड ईयर तक अपने पास रख सकता है। एक्शन बाय वीटो क्या कर सकता है, ऑर्डिनरी बिल होती हैं तीन तरह की होती है, मनी बिल होती है एंड एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल होती है। ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट उसे रेटिफाई कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, रिजेक्ट। मनी बिल को रेटिफाई रिजेक्ट कर सकता है लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को प्रेसिडेंट रेटिफाई कर सकता है लेकिन इसे रिजेक्ट या फिर रिटर्न नहीं कर सकता है।